एसएससीजीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के मेडिकल फील्ड सभी प्यारे अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग का झंझट खत्म हो चुका है। जी हाँ, लेकिन एक छोटा सा अफसोस है कि सेकंड लिस्ट में केवल इन्हीं का सिलेक्शन होगा। आखिर क्या कमाल हो गया है। जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में आप सभी को पूरी डिटेल में जानकारी बताई जाएगी एसएससीजीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के मेडिकल फील्ड अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग से संबंधित जो भी न्यू अपडेट्स आई हुई है। सो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, सारी डिटेल्स में जानकारी आप सभी को बता देते हैं। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप एसएससीजीडी 2018 वाले मेडिकल फिट अभ्यर्थी हैं और अगर आप ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए मैं फ्रेंड्स एक अपडेट्स बताना चाह रहा हूं। यहां पर देखिए, जो 2021 की वैकेंसी आने वाली थी फ्रेंड्स, उस पर अभी इसी के कारण रोक लगी हुई है। देखिए, जो 2021 की वैकेंसी आने वाली थी वो 25 मार्च को आने वाली थी, लेकिन फ्रेंड्स वो अभी पब्लिश नहीं हुई। और अब फ्रेंड्स एक न्यूज़ आया हुआ है, बताया जा रहा है कि मई के प्रथम सप्ताह यानी कि फर्स्ट वीक तक वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी भी ये डेट क्लियर नहीं की गई कि मई के फर्स्ट वीक तक तो आएगी, लेकिन आखिर कब तक आएगी, मतलब किस डेट तक आपकी स्टार्ट हो जाएंगे आवेदन। तो मैं आपको बता दूँ, इसकी जो वैकेंसी है ये 2021 की, इसी के कारण अभी फ्रेंड्स आपकी नहीं आई हुई है। मिनिस्ट्री से एक जवाब आया हुआ था फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो आपको वगैरह दिखाया है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। मिनिस्ट्री से जवाब आया हुआ था कि 2018 वाला फाइनल होगा, उसके बाद ही न्यू वैकेंसी में दिया जाएगा। देखिए बता दूं, जो 2021 की वैकेंसी आने वाली थी फ्रेंड्स, उसमें एक छोटी सी दिलासा देने के लिए फ्रेंड्स, केवल छोटी सी उम्मीद देने के लिए फ्रेंड्स बताया गया है कि मई के फर्स्ट वीक तक आ जाएगी, ठीक है। यही इसीलिए फ्रेंड्स अभी कोई डेट क्लियर नहीं किया गया कि जो किसकी वैकेंसी आने वाली है वो किस डेट को आएगी, केवल छोटी सी दिलासा देने के लिए फ्रेंड्स, उम्मीद जताने के लिए केवल बताया गया है कि मई के प्रथम सप्ताह तक आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2018 वाले मेडिकल फिट अभ्यर्थी हैं तो आपकी ज्वाइनिंग होगी 100%, मैं आज आपको प्रॉमिस के साथ कह रहा हूँ। यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा ट्वीट किया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं अविनाश कुमार सिंह के द्वारा ट्वीट किया गया, ध्यान से देखिएगा, अविनाश कुमार सिंह के द्वारा ट्वीट किया गया। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा देखिएगा फ्रेंड्स, इन्होंने फ्रेंड्स यहाँ पर नरेंद्र मोदी को टैग किया, उसके बाद लिखा, कोरोना से लोग मरे या ना मरे, लेकिन बीजेपी सरकार से तंज आकर लोग आत्महत्या जरूर करेंगे, एसएससीजीडी 2018। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँ, तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह है फ्रेंड्स एनडीटीवी न्यूज चैनल का फ्रेंड्स पूरी रिपोर्ट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो देख सकते हैं ये एनडीटीवी यहाँ पर लिखा हुआ है, और फ्रेंड्स ये एनडीटीवी वाले न्यूज़ रिपोर्टर हैं। तो मैं आपको बता दूँ, हमारे हिसाब से तो फ्रेंड्स केवल एक ही न्यूज़ चैनल सही है, और भी कोई गोदी मीडिया बिल्कुल बेकार है। एसएससीजीडी 2018 वाले मेडिकल फिट अभ्यर्थी का और फ्रेंड्स जो भी रोजगार का मुद्दा है, युवाओं की फ्रेंड्स जो भी परेशानी है रोजगार से दृष्टि से, कुछ भी फ्रेंड्स अगर प्रॉब्लम है, अगर फ्रेंड्स उन्हें समझता है तो केवल एनडीटीवी न्यूज़ चैनल ही समझता है। अब आगे आपने थंबनेल में देखा होगा कि सेकंड लिस्ट में या फिर फ्रेंड्स सेकंड मेरिट लिस्ट में केवल इन्हीं के बच्चों का सिलेक्शन, तो देखिए मैं आपको बता दूं, सेकंड मेरिट लिस्ट में केवल इन्हीं बच्चों का सिलेक्शन तो किन का होगा, और उन्हीं का होगा जो फ्रेंड्स कट ऑफ से केवल एक डेढ़ नंबर से कम रह गए थे, मतलब जो फ्रेंड्स कट ऑफ से एक नंबर या फिर 0.001 0.002 इस प्रकार से नंबर से रह गए थे, केवल उन्हीं बच्चों का अब सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि 2021 की न्यू वैकेंसी की बात की जा चुकी है, लेकिन हाँ ये बताया जा रहा है कि 2021 की वैकेंसी जो फ्रेंड्स अभी नहीं आएगी, मई के प्रथम सप्ताह तक बात की जा रही है, लेकिन डेट क्लियर नहीं की गई है। लेकिन 2018 वाले जो मेडिकल फिट अभ्यर्थी हैं पहले उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि मिनिस्ट्री से एक जवाब आया हुआ था, अगर आपने वीडियो देखा या फिर नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा। मिनिस्ट्री से जवाब आया हुआ था, उसमें बात की जा रही थी कि 2018 वाले मेडिकल फिट अभ्यर्थी की पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसके बाद ही आगे कोई बात बढ़ेगी। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप एसएससीजीडी 2018 वाले मेडिकल फिट अभ्यर्थी हैं और अगर आप सभी लोग ज्वाइनिंग पाना चाहते हैं तो गाइस आपको सभी का साथ देना होगा, कंधे से कंधे मिलाकर चलना होगा, सभी को साथ देना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। अगर आप फ्रेंड्स साथ देंगे तो 100% फ्रेंड ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर फ्रेंड्स आप सभी लोग एक बार साथ देंगे और फ्रेंड्स दिखा देंगे सरकार को स्टूडेंट्स की पावर क्या होती है, यूथ की पावर क्या होती है। देखिए एनटीपीसी का फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम डेट नहीं क्लियर हो रहा था, जो आरआरवी एनटीपीसी का एग्जाम डेट है ये क्लियर नहीं हो रहा था, तब फ्रेंड्स सभी छात्रों ने ट्विटर अभियान चलाया। और अगर आप सभी लोग ऐसा एक साथ देंगे फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोग फ्रेंड्स यूथ जनरेशन को पावर दिखाएंगे सरकार को, तभी कुछ हो सकता है। अगर आप एसएससीजीडी 2018 वाले मेडिकल फिट अभ्यर्थी हैं, अगर आप सभी लोग एक साथ होंगे तभी कुछ हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोग साथ हो जाएंगे तो मेडिकल फिट ऑल कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो जाएगी। देखिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप इस वीडियो को शेयर करो या ना करो, देखिए मैं एक बार बता रहा हूँ, शेयर करो या ना करो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से सभी दोस्तों तक यह जरूर बताओ कि सभी की ज्वाइनिंग होगी, लेकिन कब होगी, जब सभी का साथ मिलेगा तब। यह वीडियो अपने सभी प्यारे मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाओ, चाहे शेयर के माध्यम से पहुंचाओ फ्रेंड्स, चाहे आप मैसेज के माध्यम से पहुंचाओ, किसी भी माध्यम से पहुंचाओ फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी प्यारे मित्रों तक पहुंचाओ, उन्हें भी बताओ कि सभी का साथ देना होगा, और जब सभी का साथ मिलेगा तभी ज्वाइनिंग हो सकती है। और मैं आपको बताऊं
कि SSCGT 2018 वाले मेडिकल फिट अभ्यर्थी की ज्वाइनिंग से संबंधित कोई भी न्यू अपडेट्स आती है, कोई भी नोटिफिकेशन आती है, तो सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। यह चैनल एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर आपकी ज्वाइनिंग कराने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है, जितनी कोशिश कर रहा है पूरी कोशिश कर रहा है आपकी ज्वाइनिंग कराने के लिए। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मेडिकल फिट ऑल कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो गाइस मैं आपको बता दूं SSCGT 2018 वाले मेडिकल फिट अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग से संबंधित कोई भी अपडेट्स आती है नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी को मिलेगी। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल बटन का उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि तुरंत आपको सूचना मिल सके। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो से इतना ही, आपसे लेंगे इजाजत, मिलते हैं दूसरे नए वीडियो में। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।